सो अभी हमें एक ट्रक मिला, भैया जी बोल रहे हैं कि हम तुमको लिफ्ट दे देंगे। वैसे वो जा रहे हैं श्रीनगर। बैटरी का इश्यू आ गया शायद गाड़ी में, सो अभी गाड़ी को पहले चढ़ा देंगे ऊपर, उसके बाद ये चली जाएगी, वहाँ से स्टार्ट करके फिर लेके जाएंगे श्रीनगर। इसी पर रखवा दे क्या? अभी ऐसा लग रहा था कि हम लोग फंस चुके हैं, मगर अभी देखो मदद ही मदद है, ट्रक वाला भाई भी आ गया अपने साथ, जिसे भी वाला। जाएगी इससे ही चले जाएगी, चला जाएगा। अच्छा इसमें चढ़ाएंगे, टूट टूट तो नहीं जाएगा कांच वाच? या हाथ लगा के ही चढ़ा देते थे अभी 2 मिनट में। न्यूट्रल है गाड़ी, दो जन ऊपर जाना पड़ेगा, दो जन आगे से उठाना पड़ेगा। भाई साहब पूरी ताकत चली गई इसको खड़ी करने में। भाई साहब एक काम तो हो गया, सामान भी रख दे एक ग्लास से पहले तो। मम्मी सुबह ही जब हम लोग निकल रहे, 2.5 घंटा हम लोग खड़े थे, 2.5 नहीं देखो कितना बज गया। हाँ भाई 2.5 घंटा वो भैया पहुंचा देंगे कारगिल गाड़ी को, ये दोनों उसमें बैठ जाएंगे और बस हो जाएगा काम अपना। धीरे धीरे चल। सो ये भैया ने हमारी मदद किया, उनका गाड़ी नंबर है HR38A D8452, जय भोले शंकर। ठंडा वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ गया यार, 2.5 घंटे यहीं हो गए ना यार, नहीं तो अब तक हम लोग 100 किलोमीटर और चला दी होती गाड़ी, 100 समझो, नहीं तो 50 किलोमीटर तो चली रहती गाड़ी। ठीक है भगवान हमारे साथ है, जो भी किया छोटा सा ही किया, मतलब बैटरी का इश्यू आ गया और मिल गया किसी फरिश्ते को, भेज दिया भैया को, भैया हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके जा रहे हैं। बोलो भगवान से कम थोड़ी ना यार, ये टाइम बीच रास्ते पे 100 किलोमीटर दूर कोई मिले वो भी फ्री सेवा दे, बाप रे बाप, ये तो कुछ अच्छे जन्मों का और कर्मों का फल है। बस अब यही है, थोड़ा मेरे को ठंडा लग रहा है, और बैटरी भी। सो गाइस यहाँ पे हुआ है, पत्थरे गिर चुके हैं और वही तोड़ के साइड में कर, और बजने वाला है 4।
और मेरी गाड़ी में पेट्रोल ही पूरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ से मुझे 10 किलोमीटर और जाना है फिर मुझे मिलेगा पेट्रोल। साला सुबह भराया नहीं ना मैंने, मैंने क्या किसी ने नहीं भराया। सो अब यही है, वेट करना पड़ेगा अपने को। अब यहाँ पे भी 10-15 मिनट तो जाएगा मुझे लगता है। सो गाइस फाइनली हम लोग की गाड़ी वापस स्टार्ट हो चुकी है। अरे रे 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 रे, तो ऊँचा ही आ गया एकदम। सो मैं और आकाश जा रहे हैं कंटिन्यू, बाकी वो दोनों लोग राहुल और प्रदीप पहले के गए हैं, अभी तक उनका कुछ अपडेट नहीं है, कहाँ है पता नहीं। पेट्रोल लाने गए थे हम लोग के लिए, अभी तक आए नहीं। और उन लोग को तो ट्रक में डाल दिया दोनों को, हेवी और नीरज को विथ बाइक। देखते हैं यार कहाँ, सब बिखर से गए हैं अभी हम लोग। सो गाइस पहुँच गए फाइनली पेट्रोल पंप, थैंक्स टू गॉड। भाई आज का दिन ही ऐसा था, मगर सब कणियाँ फिर मिल गए, सब मेरे दोस्त लोग इधर अपनी गाड़ी इस कार में, और वो भैया जी हम लोग को, देखो ये भैया जी हमारी बहुत हेल्प किए, जीरो फिगर जीरो पैसे। तो इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है भाई, ये भैया हम लोग को जीरो मनी में छोड़ रहे हैं, हमारे लिए भगवान है भाई। पता चले उधर से प्यार का पांच जाते तो। सो गाइस अभी इसको चार्ज भी लगा दिया था, चार्ज हो चुका है गोप्रो। अब यहाँ से थोड़ा पानी पिया, अब चल रहे हम लोग कारगिल में एंट्री कर चुके हैं। चलो सब लोग का एडवेंचर ज़्यादा ही हो गया, सबसे बड़ा बड़ा एडवेंचर आज हुआ, बहुत बड़ा। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तुम लोगों को पता हम लोग का तो हर साल होता है बट हौसले नहीं आ रहे। यस यस चलो भाई। अरे बाप रे, अब ये वादियों से टकरा चुके हैं इसी को ही। बाकी सब कुछ ठीक हो चुका है, अभी होटल भी बुक कर दिया है, जाके खाना खा के सिर्फ और सिर्फ मजे लिए जाएंगे। बहुत मारते हैं यहाँ पे बच्चे हाथ लगाते वक्त। आज वाकई में यहाँ पे ठंडी बढ़ चुकी है कारगिल में भी, देख रहा हूँ जो पहाड़ हम लोग ने तीन दिन पहले देखा था कुछ था ही नहीं उसके ऊपर, आज साला इतना हल्का हल्का बर्फ गिरा उसके ऊपर। ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर देख रहे हो कैसे भगा रहे ट्रैक्टर ये लोग। हाथ घुमाओ वही बहुत है, हाथ मिला के बहुत तेज तेज बजाते लोग। हम लोग इतने जल्दी निकले तो अच्छा हुआ है, जो भी हुआ सब खत्म हो गया। बाय बाय।
ओ बाय बाय करते वक्त अभी तो चाट लेता जमीन पे मैं। मूड थोड़ा खराब हो गया था ना, नहीं तो चॉकलेट सबको बांटा होता मैं, बट कोई नहीं कल बांटूंगा वापस। बाप रे पानी अच्छा काम है भाई, आज जाते समय इतना पानी था कि लोग अब शूज भीग गया था, मेरा तो नहीं भीगा था मगर ना वाटर क्लीन जैसा पानी है ना। ओ, ओ, ओ इधर से उतरते थे भाई। हरे कृष्णा हरे रामा। यहाँ से भी 50 किलोमीटर है कारगिल, सोचे थे 2-3 बजे पहुँच के थोड़ा और बहुत घूमेंगे, पर ठीक है जो भी होता है। अब मैं बार बार वही चीज़ रिपीट नहीं करूँगा भाइयों और बहनों। ला 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 ला। अरे यार यहाँ के उड़ा ना दे चीटा, चलना यार। दिल वो चला हरे कृष्णा। अभी ऐसा लग रहा है घर का खाना मिल जाए या कुछ, मेरे पास जादुई शक्ति होती तो मैं सीधा बटन दबा के सीधा घर पे हो जाता। कहना इतना गाड़ी चला लिया और सुबह से इतना कुछ हुआ है ना, दिमाग खराब होता है। मगर ये सब नज़ारे देख के फिर ऐसा लगता है कि वाह, नज़ारे देखना है तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। क्या ही यार रोड है यार, मस्त एकदम। भाई साहब देख रहे हो क्या ही व्यू है यार, देखो सीधा गन मशीन ही लगा दिया यार यहाँ पे तो दो। अच्छा ऐसे दिखाने के लिए लगाया। तो ये कारगिल के सब मिलिट्री पुलिस हो गए जो आसपास दिख रहा है, जितना हमारा इलाका है ना, इंडियन आर्मी नीर एंड क्लीन एकदम। देखो इंडियन जवान दिखाने स्टार्ट हो गए, इंडियन जवान दिखने स्टार्ट हो गए, इंडियन आर्मी मेरा भाई। हॉरर फ्लैग अभी शाम के 7-7:30 बज रहे होंगे शायद से, क्योंकि घड़ी हमारा दिखा नहीं सकते हम और टाइम किसी से पूछ नहीं सकते, और इसमें भी जो टाइम दिया है वो गलती लिखा हुआ है, सो ऐसा है। मगर लगभग लगभग पहुंचने वाले ही हैं अभी। अरे देख रहे हो यहाँ पे ऐसी लाइट क्यों लगाते हैं यार, मतलब सब गाड़ियों में ऐसे ही मोस्ट ऑफ में, देखो इससे दिखेगा क्या सामने वाले को, अंधा हो जाएगा साला।
जो टूरिस्ट गाड़ी है, जो पर्सनल है तो ठीक ही है, टूरिस्ट वाले भी एकदम रंगीला बना के रख दिए यहाँ पर। अरे भगवान, बट भाई सही में चला चला के ना मेरा लग गई है। अब सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। कुछ कर नहीं सकते हैं, बस मंजिल पे पहुंचा जाए। ये रास्ते काफ़ी कठिन हो चुके हैं। अरे मम्मी मामा 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 मम्मी, मगर हम लोग को जंस्कार में खाना वगैरह बहुत अच्छा मिला जो होटल में हम लोग रुके थे, पर और कहीं का तो खाना अभी तक मुझे नहीं अच्छा लगा है। उतर के पहले होटल में मुंबई में ही खाऊंगा। वो ट्रैफिक कर दिया भाई। अरे सहुली काय झाला, हा काय झाला, वेलकम वेलकम बोल रहा है। ही नोज कि हम लोग ऑलरेडी कारगिल जाके आ चुके हैं। टू रश, हाँ यार मुंबई जैसा, मुंबई 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 ना धूल उड़ा है ना। मगर आज मेरा गोप्रो भी खूब मिट्टी खाया है, मेरा पैर, मेरे जैकेट्स, मेरे गार्ड्स, अरे हेलमेट मिट्टी मिट्टी खा खा के लोग आधा किलो मिट्टी निकलेगी लोग में। तो गाइस हमारी गाड़ी आ गई है। भैया का नाम, भैया आपका नाम क्या है? राहुल सिंह। ओके अंकल आ गए। अभी हमारे BMW अंदर है। अरे अंकल भी आ गए। हम लोग गाड़ी निकालेंगे पहले। सो चाहे जितना भी दिन बेकार हो मगर हम लोग मजे लेंगे जिंदगी के। चढ़ के उतार लो, एकदम चढ़ जाओ अभी। हाँ इधरी कमर उमर चला गया। पानी किधर आता है? अंदर आ रहा है। हाँ पानी अंदर आ रहा है। बंदे में जान दे, लोग करेंगे चाहिए।
चलिए इसको पकड़ो। थैंक यू गाइस, तुम लोग ने सपोर्ट व्यूअर्स सुना के लिए क्या था, हंस दिया चेहरा का मतलब नहीं होता कि डाल वीडियो। गाइस ये गाड़ी बंद हो के हम लोग की ट्रिप की लगाने वाली थी, मगर अभी भी नहीं चालू हो रही है भाई, मेरे को लगता है बैटरी नहीं, करंट बराबर मिल नहीं रहा। सर्विस सेंटर में जाके मानेगी, जिद्दी है साली, छोड़ दिया जाता है बस। अभी खत्म कहानी, लाइक ऑफ मैन आज बहुत ज्यादा ऑफ लेवल का हो गया आज। अरे इंस्टा छोड़ो, इनका नंबर ले लो। सो गाइस हमें मिले थे राहुल सिंह, यहाँ देखिए आप, बस्ती गांव के हैं, जो हमारे जहाँ का मतलब लोग ज्यादा ये करते, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छे इंसान मिले हमको, बुरे वक्त में हमारी मदद की है और हम निकले और हमारी जर्नी को स्मूथली एकदम इजी बना दिया इन्होंने, नहीं तो अदरवाइज आज हम लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट में ट्रबल में थे। हाँ, और रात भी बच जाते थे बहुत ज्यादा। सो थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच काइंड ऑफ यार। अभी रात को जाएंगे उसी रूट से। ओके सो भाइयों, सब जगह एक जैसे इंसान नहीं रहते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं जो हमें आज मिले राहुल भाई, थैंक यू सो मच। अब हम लोग जाएंगे अपने होटल में, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद नहा धो के फ्रेश होंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत हैक्टिक था यार, बहुत। सो अभी पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी रख दी हम लोग, अब फाइनली अब निकलेंगे, सुबह अंकल लोग गाड़ी दिखा देंगे हमारे होटल के, जो जिनका होटल है वो बाबा करके नाम है उनका, वो भी काफ़ी अच्छे है। बाय बाय राहुल भाई, बाय बाय, थैंक यू अगेन यार। अरे नहीं यार, आप जैसा कोई नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू। नहीं, आप पीजिए चाय। सो गाइस होटल में आ गए हैं, अब जा रहे पहले खाना खाएंगे, बाजू में एक वेजिटेरियन होटल है वहीं पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खाने का सिस्टम काफ़ी कम है और यहाँ पर रात भी ज़्यादा हो चुकी है। तो यही खाना खाए थे लास्ट टाइम और आज भी खाएंगे कारगिल से, आज बाइक की वजह से थोड़ा ट्रिप यहाँ से वहाँ बिगड़ने वाला था, मगर सब कुछ परफेक्ट था। खाना भी अच्छा है, पानी भी अच्छा है। कल पनीर मटर रोटी, आज ग्रेवी सही बना है भाई, बोला ठीक बोल दिए ना भाई तुमने, ये ऑर्डर इधर धीरे किया जाए प्लीज, आगे बस कर दिया जाए, और भाजी आप पास कर लो, दो रोटी दिया जाए भाई यहाँ पे, थैंक यू सो मच। रोटी वो ला रहा है, बहुत मेहनत के बाद ये खाना मिला है, एक रोटी दे देना इसको, तब तक खाते रहेगा। नहीं ला रहा, अरे खाना ले लेना, ले लेना, कंपनी जाएगा बस, ले क्या छोटे सरकार से बस्ती देखें। क्या बोल रहे हैं, जीरा राइस, जीरा राइस दाल तड़का,
भाई साहब दाल फ्राई बोला था तड़के से अच्छे दाल दर्द हो गई भाई साहब हाँ सही बनाया सो गाइस कारगिल के रोड पे अकेले हम लोग घूम रहे हैं, तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म कर दे। कुछ बोलना चाहते हो लास्ट? बस कुछ नहीं, बाय बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट फ्रॉम कारगिल, गुड नाइट फ्रॉम कारगिल, मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल जाएंगे सोनप्रयाग, बता दिया तो अभी सुन लो, सॉरी।